कोविड के कारण अपने पेरेंट्स को गंवा चुके बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई निर्बाध गति से जारी रहे, इसके लिए राज्य सरकार प्रावधान सुनिश्चित करे। ऐसे बच्चों की सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि तमाम अनाथ हुए बच्चों को केंद्र और राज्य सरकार के स्कीम के तहत वित्तीय सहायता दें। अनाथ हुए बच्चों को तुरंत खाना, दवाई और कपड़े दिए जाएं। जिन बच्चों के गार्जियन उन्हें रखने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों को भी अभी CWC को सौंपा जाए। NCPR की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 30,000 बच्चों के पेरेंट्स कोविड से मरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार ऐसे बच्चों की पहचान सुनिश्चित कर वेबसाइट अपडेट हो,